नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह, स्वागत है आपका ग्रीन टेक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विंडो अपडेट अगर हो जाए तो उसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम फिर से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर विंडो अपडेट ऑटोमेटिक हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है विंडो अपडेट होने के बाद। ठीक है, पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विंडो अपडेट हो जाए तो अनइंस्टॉल उसको कैसे करें, कैसे क्या करें। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है। अगर आप कंपनी में काम करते हैं, सपोज ये हमारा सर्वर है, ठीक है, ये हमारा सर्वर है और उसके बाद इस सर्वर जो है और क्लाइंट से जुड़े हुए हैं, मतलब एक दो सिस्टम ऐसे हैं, चार सिस्टम जो भी है सिस्टम, अगर क्लाइंट से जुड़े हुए हैं और छोटे मोटे बिजनेस अगर आप चला रहे हैं तो तीन चार सिस्टम अगर जुड़े हुए हैं क्लाइंट से, तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि सर्वर में अगर विंडो अपडेट हो जाता है तो इस टाइप का प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे प्रिंटर से रिलेटेड हो गया, प्रिंटर जो है काम नहीं करता है और उसके बाद क्या होता है, पासवर्ड मांगता है किसी एक दूसरे, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, सपोज यहाँ पे ये हमने यहाँ पे मार्क सॉफ्टवेयर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है अगर कनेक्टेड है सर्वर से तो क्लाइंट पे खोलेंगे तो प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपका क्लाइंट है और या सर्वर है अगर कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है विंडो अपडेट होने के बाद, तो सबसे पहले आपका जो सर्वर है वहाँ पे जाएंगे। सर्वर में नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क का ऑप्शन है, पासवर्ड वगैरह मांगता है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क का ऑप्शन है ये वाला क्लिप खोलने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन है, प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम आती है तब मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, तीन ऑप्शन है, कंट्रोल पैनल का होम है, चेंज एडेप्टर सेटिंग, चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, मतलब शेयरिंग का सारा मामला यहाँ पे है, शेयरिंग का। ठीक है, अगर क्लाइंट पे अगर आप कुछ भी खोलते हैं तो अगर सर्वर में अपडेट लग चुका है विंडो तो ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे देखिए नेटवर्क डिस्कवरी, व्हेन नेटवर्क डिस्कवरी इज ऑन द कंप्यूटर कैन सी अदर नेटवर्क कैप्चर एंड डिवाइस एंड इन द विजिबल अदर नेटवर्क कंप्यूटर। ठीक है, टर्न ऑफ नेटवर्क डिस्कवरी, यहाँ पे ये चीज़ आती है। यहाँ पे देखिए फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, अगर आपने जो है सर्वर से कनेक्टेड कर रखा है किसी क्लाइंट को तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखिए फाइल एंड शेयरिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं, फाइल एंड शेयरिंग का कहाँ गया, ये है। ठीक है, फाइल एंड शेयरिंग, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख के आता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मेन चीज़ होता है पासवर्ड, जैसे कि अगर पासवर्ड जो है क्लाइंट पे मांगता है सर्वर से कनेक्टेड है विंडो अपडेट होने के बाद, तो ये ऑप्शन है कुछ भी खोलेंगे तो पासवर्ड मांगेगा विंडो सिक्योरिटी का। ठीक है, जो मैं आपको क्लिप यहाँ पर दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप का मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए टर्न ऑन पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग, यहाँ पे ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो चुका है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर टर्न ऑफ के क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने सर्वर वाले सिस्टम पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव चेंज यहाँ पे कर देंगे। इससे क्या होगा, अब जो भी चीज़ आप खोलेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, कुछ भी खोलेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा और सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, प्रिंटर का भी ऑप्शन है, प्रिंटर के यहाँ पे देखिए फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, यहाँ पे क्या होता है, प्रिंटर जो है ऑफ हो रखा होता है, तो यहाँ पे देखिए टर्न ऑफ फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग ऑटोमेटिक हो रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे। पासवर्ड वाले को हमने क्या किया, पासवर्ड वाले को हमने क्या किया, यहाँ पे टर्न ऑफ किया, जबकि हमें जो है प्रिंटर वाले को क्या करना है, टर्न ऑन करना है। ठीक है, पासवर्ड वाले को हमने ऑफ कर दिया और प्रिंटर वाले को जो है ऑन करना है, समझे। तो ये चीज़ है जो आपको ये देखने को मिलता है एडवांस सेटिंग में जाने के बाद, प्रिंटर काम नहीं करता है तो यहाँ पे ऑन ऑटोमेटिक हो रखा होगा तो आपको यहाँ पे ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ करके और यहाँ पे सेव चेंज पे कर देना है, हमने यहाँ पे कर रखा है, तो इसीलिए फाइल एंड शेयरिंग, प्रिंट वगैरह जो भी देंगे अगर सर्वर से कनेक्टेड है प्रिंटर तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इस वीडियो में कि कैसे क्या होता है विंडो अपडेट लगने के बाद अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड है सर्वर से या क्लाइंट कनेक्टेड है तो। ठीक है, इस टाइप के इश्यू आते हैं, मेन प्रॉब्लम यही आती है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है और यहाँ पे टर्न ऑन हो जाता है पासवर्ड विंडो अपडेट हो जाने के बाद, तो इसको टर्न ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलते हैं, फिर मिलेंगे बढ़िया सा वीडियो लेके, टेक से रिलेटेड वीडियो लेके, तब तक ले ओके टाटा बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खास बात अपनों का ध्यान रखिए।